तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल कोड रेड में। जो आज मैं आपको मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं, या फिर ये कहिए जिसकी मैं आपको समरी देने वाला हूं, वे कोई और नहीं तमिल की ब्लॉकबस्टर मूवी डॉक्टर है, जो कि एक थ्रिलर मूवी है। पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा दूंगा। मतलब मैं वही कैरेक्टर रखता हूँ जो, मतलब कैरेक्टर तो बहुत सारे होते हैं मूवीज़ में, लेकिन मैं सारे नहीं अभी सारे रखूंगा तो मज़ा नहीं आएगा और वीडियो भी लंबी होगी। तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही रखता हूँ और एकदम आसानी से उनके ज़रिए आपको मूवी एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने नहीं देखी है मूवी और अगर आप देखना चाहें एक्सप्लेनेशन तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आपको मूवी देखनी है तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले मूवी देख लीजिए, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखिए। नेटफ्लिक्स पे है ये मूवी, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मैं आईडी डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम की अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको 4-5 घंटे के लिए दे दूंगा, आप उसमें देख लेंगे। हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4-5 घंटे के लिए, क्योंकि उसके बाद किसी और का मैसेज आएगा और मुझे किसी और को देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ डॉक्टर या फिर ये कहिए वरुण। तो ये जो है बेसिकली लीड रोल प्ले कर रहे हैं मूवी में, एक डॉक्टर हैं, आर्मी में हैं ये, दिल से ज़्यादा अपने दिमाग से सोचते हैं कि मतलब इनका और जो मोटो है मतलब जान बचानी ही बचानी है लोगों की। इनका एक सीन मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि ये आर्मी में रहते हैं शुरू में, और एक दो सैनिक आते हैं, दो घायल रहते हैं, एक इंडिया का रहता है, एक पाकिस्तान का रहता है। इंडिया वाला एकदम मरने की हालत में रहता है तो उसे छोड़ के पाकिस्तान वाले को बजाते हैं। तो इनका सीनियर आता है, कहता है कि यार तुम जो हमारा आदमी है तुम उसे छोड़ गए, मतलब वो भी सेंस वाली बात है, तुम ये दुश्मन को क्यों बचा रहे हो, ये तो गलत बात है ना, भले ही वो मर जाए लेकिन उसको बचा तो सकते हो ना, तुम उसको बचाओ ना पहले, तुम क्यों दुश्मन देश को बचा रहे हो। तो कहता है कि इसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसके बचने के चांसेस कम हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान वाले को बचा रहा हूँ। तो कहता है नहीं, फिर भी उसको ही बचाओ। उसका सीनियर कहता है नहीं, वो मर ही जाएगा, उसका कोई भी गारंटी, लेकिन इसकी है, और अगर ये बच गया तो इससे हम लोग जो है पूछ सकते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है, अगला उनका कदम क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। तो ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ये जो कैरेक्टर है इसलिए ये स्टोरी इसलिए बताइए कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो कैरेक्टर है ये दिल से ज़्यादा एकदम दिमाग से सोचता है और बेसिकली एक तरह का साइको ही है, इसको बचाना ही बचाना है लोगों को, मतलब ये मतलब नहीं बचाएगा इसको चैन नहीं आएगा, अगर ये देख लिया कि मैं बचा सकता हूँ उनको और नहीं बचाया, मतलब एक तरह से साइको है, ऑब्सेस्ड है। उसके बाद करते हैं पद्मिनी की बात, जो इनका लव इंटरेस्ट प्ले कर रही है, या फिर ये दोनों मतलब इनकी दोनों की केमिस्ट्री मूवी शुरू होती है तो वही दिखाया गया और काफ़ी अच्छे से दिखाया गया, जो कि एक ये इस मूवी में लीड एक्ट्रेस प्ले कर रही है और मतलब इनको मिनी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं टेरी, जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं और गोवा में एक होटल भी चलाते हैं, लेकिन होटल बस कहने का है, मेन जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग करके ही पैसा छापते हैं। फिर ये प्रताप, जो कि योगी बाबू ने रोल प्ले किया है, जो मूवी में कॉमेडी है उसका पूरा पूरा क्रेडिट जाता है प्रताप भाई को, यानी कि योगी बाबू को, और मतलब काफ़ी अच्छी है, मतलब इन्होंने एक्टिंग करी है और मतलब ऐसे आदमी के इनके फेस एक्सप्रेशन से ही हंसी आ जाती है। फिर बात करते हैं प्रियंका, प्रियंका क्या है इसकी जो है भतीजी का रोल प्ले कर रही है और ये एक बच्ची है। उसके बाद आते हैं मेलविन, ये आपने रोडीज देखा हो तो बहुत पहले आते थे, होस्ट करते थे, रघु, एक का नाम रघु था, एक का नाम राजीव था ना, जो टकले थे वो ही हैं इसमें, इसमें भी दोनों जुड़वा भाई का रोल प्ले कर रहे हैं। ये भी क्या करते हैं, ये टेरी को बच्ची सप्लाई करते हैं किडनैप करके। उसके बाद आते हैं कर्नल, जो मिलिंद सोमान ने रोल निभाया, इनके ज़्यादा इनका रोल नहीं है लेकिन अहम रोल है, आखिरी में रोल है इसलिए मैंने इनका लिख दिया। अब चलिए मूवी शुरू होती है, इन दोनों की केमिस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये एकदम दिमाग से सोचता है बंदा, एकदम प्रैक्टिकल बंदा है, कुछ इसे फालतू बात पसंद नहीं, रोमांटिक वोमांटिक या फिर ये वो, एकदम दिमाग से सोचता है तो बेसिकली एकदम, और मुफट भी है कि मतलब कुछ भी होता है ये इसको अपने, जैसे कि इसने रिपोर्ट भेजी इसको, अपने एक रिलेटिव रहते हैं ये डॉक्टर है, दूसरे रिपोर्ट भेजती है कि बताओ क्या चाहते थे, और इन लोगों को मतलब थोड़ा चल रहा होता है तो बोलता है तो मर जाएगा, मतलब फीलिंग्स है ही नहीं बंदे में, वो सीधे से बोल देता है ना, तो हल्की सी तसल्ली देगा ना कुछ ना कुछ, ये ऐसा कैरेक्टर है। तो मूवी शुरू होती है, इन दोनों का जो केमिस्ट्री दिखाई गई वो रहता है, और फिर अचानक से क्या होता है वो सब चला, और जो अब जहाँ पे मतलब ये थोड़ा प्लॉट बनाते हैं और जहाँ पे जो ट्विस्ट आता है वो ये आता है कि प्रियंका एक दिन किडनैप हो जाती है। अब प्रियंका क्या हो गई है, किडनैप हो गई है। अब जो है ये डॉक्टर जो है अपना दिमाग लगाता है, पद्मिनी की भतीजी है ये, पद्मिनी के भाई लोग बहुत परेशान रहते हैं, भाभी बहुत परेशान रहती है, इसके पापा भी रहते हैं और पद्मिनी रहती है। पद्मिनी की फैमिली में कौन है, पद्मिनी के भाई हैं, भाभी हैं और इसके पापा हैं, और इसकी भतीजी है जो कि अब किडनैप हो चुकी है, और अब ये डॉक्टर जो है अपना दिमाग लगाता है कि कैसे बचाएं। तो इन लोग क्या करते हैं, जाते हैं रिपोर्ट लिखवाते हैं।
अब पुलिस का क्या, पुलिस ने रिपोर्ट लिख लिया, अब वो ढूंढती नहीं है। कितने वहां पे एक आदमी और बैठा होता जिसने 3 महीने पहले रिपोर्ट लिखाई होती अपनी बच्ची के होने की, लेकिन वो कुछ करते ही नहीं है। तो ऐसा रहता तो डॉक्टर समझ जाता है कि इन लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करता है, जो वहां का इंस्पेक्टर रहता है उसकी बच्ची को ही किडनैप कर लेता है। तो कहता है कि अब इन लोग कार्यवाही तो करेंगे कम से कम, और जब ये कार्यवाही करेंगे तो मुझे अपना मतलब प्रियंका का भी पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे है। तो इसलिए उसका भी उसको किडनैप कर लेता है। तो अब जो इंस्पेक्टर रहता है उधर का, वो एकदम उसका दिमाग घूम जाता है और कहता है जितने भी इस एरिया में हैं जो भी बच्चे उठाते हैं किडनैप करते हैं उनको सबको पकड़ के लाओ। पुलिस को सब पता रहता है, पुलिस सबसे हफ्ता लेती है, ये हमको भी पता है, ये आपको भी पता है। तो वो पूरे को लेके आते हैं, उसमें से एक होते हैं हमारे प्रताप जो कि योगी बाबू हैं, और इनके साथ एक और बंदे होता है, 2-3 बंदे होते हैं सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस दिए होते हैं, और बहुत लोग उन्हें पुलिस बहुत मारती है। लेकिन डॉक्टर जो है मतलब ये प्रताप को टारगेट कर रहा होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और इसका एक दोस्त होता है। तो ये पुलिस से मार खा के जब निकलते हैं, मतलब ये बोल देते हैं कि मैंने नहीं किया, आपकी बच्ची किडनैप नहीं किया, और किडनैप इन्होंने किया भी नहीं होता क्योंकि वो डॉक्टर नहीं किया होता, तो ये सब छूटते हैं। तो इनको जो है डॉक्टर पकड़ लेता है प्रताप को और इसके दो दोस्तों को, कहता है मैंने तुम्हारी किडनी निकाल ली है ऐसा मतलब, और कहता है अगर अब तुम एक किडनी निकाल ली और तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, क्या तुमने ये बच्ची उठाई थी? तो बोलता है कि हाँ मैंने, मतलब प्रताप तो नहीं उठाया रहता है लेकिन इसका एक दोस्त उठाया रहता है, तो वो बताता है कि मेरी किडनी वापस कर दो, हाँ मैंने उठाई थी। तो बोलता है मुझे दो, कहता है नहीं मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं उसे किसी और को दे चुका हूँ। तो बोलता है उसका नंबर दो, कह रहा है नंबर तो मेरे पास नहीं है, मुझे सिर्फ वो उधर से फ़ोन आता था अलग अलग नंबर से, कहता था यहाँ पे मिलो यहाँ पे बच्ची दो। तो ऐसा करके फिर कहता है, फिर ये प्रताप आइडिया देता है कि उससे बोलो कि मेरे पास एक और बच्ची है। तो ये बोलता है एक और बच्ची है ऐसा, तो फिर वो लेने आता है तो उसे पकड़ते हैं लोग, फिर उससे भी पूछते हैं कि कहाँ गई, वो बोलता है मैंने और आगे दे दी है। अब वो कहता है वो कैसे हो, फिर इससे बोलता है कि उससे बोले मेरे पास एक बच्ची, फिर इस तरह आगे आगे करके जाते हैं। तो इन लोग मिलते हैं किससे, मेलविन और एलविन से, ये दो जुड़वा भाई हैं। इनका कैरेक्टर क्या है, मतलब इन दोनों की एक दूसरे में जान बसती है, मतलब ये इसके लिए जान देने से पहले सोचेगा नहीं और ये इसके लिए जान देने से पहले सोचेगा भी नहीं। तो अब क्या होता है, मेलविन ये पता चल जाता है कि इन्होंने बच्ची उठाई है। तो अब मेट्रो का सीन होता है कि मेलविन एक और बच्ची लेके जा रहे थे, बच्ची नहीं मतलब झूठ को बैग थमाया होता है उन्हें, उसमें बच्ची नहीं रहती है। तो मेलविन लेके जा रहा था, और ये पूरी डॉक्टर और इसकी पूरी फैमिली उस मेट्रो में ही बैठे होते हैं, और मतलब डॉक्टर की सेटिंग होती है, जो भी ट्रेन चला रहा होता है उससे बोलता है लाइट बंद कर देना, लाइट बंद करते हैं, उधर थोड़ा एक्शन सीन है। उसके बाद क्या होता है कि एक को डॉक्टर इसमें से एलविन को बाहर फेंक देता है, ट्रेन के बाहर फेंक देता है, और मेलविन को किडनैप कर लेता है। अब एलविन को फोन कर रहा है, एलविन एकदम उसके बिना परेशान हो रहा होता है, एकदम परेशान हो रहा था। तो ये एलविन कहता है, यानी उसने मेलविन को किडनैप किया और एलविन उसके बिना बहुत परेशान हो रहा है, उसका बहुत फोन आ रहा है, और ये मेलविन को टॉर्चर कर रहा है, उसे चाकू मार रहा है, वो कर रहा है बेसिकली। तो वो और ज़्यादा परेशान हो रहा, कहता मुझे बच्ची चाहिए। तो फिर फोटो दिखाते तो बोलता हाँ मैंने इसे उठाया था और मैं इसे वापस कर दूंगा, लेकिन तुम मेरा भाई वापस कर दो। तो वो वीडियो कॉल कर रहा होता है मतलब जब वो जाता है बच्ची के पास, क्योंकि उसने बहुत बच्ची उठाई होती है, तो ऐसा दिखाने के लिए कौन सी बच्ची। तो एक कंटेनर रहता है जिसमें 8 से 10 बच्चियां रहती हैं, तो उसमें सबको बारी बारी से दिखा रहा होता है उसके घर वालों को। तो उसमें से एक बच्ची जो होती है वो होती है प्रियंका, लेकिन हाँ कहता है इन लोग कहते हैं हाँ ये बच्ची, तो बोलता है मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अब डॉक्टर को मैंने बताया ना आपको, इसलिए बताया कि वो बंदा मतलब उसे बचाना है सबको, वो मतलब एक तरह का साइको है। तो वो क्या करता है कि कहता है कि नहीं अब मुझे सारी बच्चियां चाहिए क्योंकि मैं सबको बचाऊंगा, नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। अगर मैंने सिर्फ प्रियंका को बचा लिया और उनको वो पूरा कंटेनर मैंने गोवा जाने दिया, अभी इन लोग तमिलनाडु में हैं। तो बोलता है कि नहीं मेरे हाथ में ही नहीं है ये, इसको गोवा जाना ही है, मैं सिर्फ एक बच्ची ही निकाल सकता हूँ। तो बोलता है कि तो फिर जाने दो गोवा, तो वो कंटेनर गोवा चला जाता है। अब क्या होता है, ये पूरे फैमिली गोवा में जाते हैं और ये मतलब कि काफ़ी रिसर्च कर चुका होता है डॉक्टर, और ये इन लोग जो होटल में रुकते हैं वो रुकते हैं किसके, टेरी के ही होटल में रुकते हैं, जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करता है, और टेरी के होटल में रुकते हैं। अब इसकी पूरी फैमिली रुकती है, अपने पूरी फैमिली के साथ रुकती है, ये अपनी पूरी फैमिली के साथ रुकती है वहाँ पे, और डॉक्टर आइडिया बनाता है, मतलब ये बहुत छातिर है। तो डॉक्टर क्या करता है, उस होटल के बाहर से ही किडनैप करता है इसका जानबूझ करके, पद्मिनी का करवाता है, और उसकी फैमिली झूठ मूठ का नाटक करती है कि कहती है आपका होटल कैसा है, ये कैसा एरिया में रह रहे हैं हम लोग, मैं पुलिस में जाऊंगा। अब टेरी उसे पुलिस में जाने से रोकेगा, क्यों रोकेगा, क्योंकि टेरी के होटल की बदनामी होगी, इसलिए वो बंदा रोकता है उसे होटल में जाने से, अरे सॉरी उनकी फैमिली को FIR कराने से, कहता है मैं आपको ढूंढ दूंगा, टेरी भी गुंडा ही और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करता है। तो वो ढूंढते ढूंढते इसकी पद्मिनी को पहुंचता है डॉक्टर के यहाँ।
जान जाता है डॉक्टर के, अब इससे कहता है मतलब इसे टेरी को इतना पता चल जाता है जब इन लोगों की मीटिंग होती है कि डॉक्टर को मुझसे कुछ तो चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं उसे पता चलता है मतलब ये आइसक्रीम पार्लर चला रहा होता है गोवा में, चला क्या रहा होता है, ऐसा बन जाता है वो कि मैं आइसक्रीम पार्लर चलाता हूँ। अब ये डॉक्टर क्या कहता है कि मतलब ऐसा बन जाता है, ये भी एक चाइल्ड ट्रैफिकर बन जाता है कि मैं भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग करता हूँ और मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, और उसी के साथ इतना इसका भरोसा करके ये इसको लौटा देता है पद्मिनी को और ये उसे उसके फैमिली को सौंप देता है। अब इसकी होटल की इज्जत बच गई। अब ये लेकिन ये दोनों इससे दोस्ती करना चाह रहा है टेरी, क्योंकि ये भी एक चाइल्ड ट्रैफिकर है और बोलता है मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बच्चियाँ सप्लाई कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये इसको लेके जाता है गोवा में एक आइलैंड होता है उधर ले आके सब कुछ अपना प्लान बता देता है कि ये मेरी मतलब इतनी बच्चियाँ हैं, ये फॉरेन एक्सपोर्ट करूंगा मैं, ये यहाँ पे रहनी, वहाँ पे और ज़्यादा बच्चियाँ होती हैं। अब ये जो है डॉक्टर उन लोगों उन बच्चियों को भी बचाना चाह रहा है, लेकिन वो पूरा प्लान बना ही रहा होता है। तभी क्या होता है मतलब टेरी को थोड़ा शक हो जाता है कि ये लोग क्या हैं, और जो एक लड़की किडनैप हुई है वो मतलब कि थोड़ा उसे शक होता है डॉक्टर पे कि डॉक्टर चाइल्ड ट्रैफिकर नहीं है, मुझे पकड़ना चाह रहा है ऐसा करके। लेकिन उसी बीच लेकिन वो थोड़ा सा शक को अपने मार के कहता है कि हाँ चलो ठीक है भाई ऐसा चलने दो। उसके बाद एक मीटिंग बुलाता है और डॉक्टर को इंट्रोड्यूस कराता है, उसे एक मीटिंग में वो भी आता है। कौन आता है? एल्विन आता है। मेल्विन किडनैप है, एल्विन आया है, एक जुड़वा भाई। अब दोनों एक मैंने बताया ना एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। तो ये क्या कहता है डॉक्टर मीटिंग में आता है, लेकिन अब वो डॉक्टर के बारे में नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि एक भाई किडनैप है, नहीं तो वो मार देगा उसको। तो ये डॉक्टर कहता है उस मीटिंग के बाद, जब ये तीन जब ये सिर्फ तीन होते हैं डॉक्टर टेरी और एल्विन, तो जब ये तीन होते हैं तो वो कहता है इसको टेरी को मार दो इससे। तो ये मारने भी लग जाएगा, कहने तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। तो ऐसे जैसे ही मारने जाता है उसको डॉक्टर बचा लेता है, इसको बचा लेता है टेरी को, ताकि मैं इसका भरोसा जीत लूं, और भरोसा जीत भी लेता है। अब टेरी ये बचा ना, टेरी इसको मार देता है, एक भाई को उसने मार दिया एल्विन को, क्योंकि वो उसको जान से मारने वाला था, इसलिए वो उसने उसको मार दिया और डॉक्टर का उसने भरोसा जीत लिया। वैसा ही चल रहा होता, लेकिन फिर आगे जाके क्या होता है मूवी में, उसको शक हो ही जाता है, उसको पता चल ही जाता है ये जो फैमिली ठहरी है, इस फैमिली की एक बच्ची मैंने किडनैप की थी, इन लोग डॉक्टर के साथ आए हैं, ये सब एक साथ हैं और ये वो, तो वो जान ही जाता है डॉक्टर का प्लान फ्लॉप होता है, इनको सबको पकड़ के वो उसी आइलैंड पे लेके जाता है जहाँ पे इनको मारने वाला होता है वो। तभी वहाँ पे एंट्री होती है किसकी, एक एल्विन मर गया। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए जान देते थे, जिसने जिसको मारा वो छोड़ेगा नहीं। दूसरा कौन था? मेल्विन। डॉक्टर मेल्विन को छोड़ देता है और बता देता है कि इसने तुम्हारे भाई को मारा, मतलब उसको यूज कर लेते हैं, उन दोनों भाई को ही वो यूज कर लेता है एक तरह से, और मेल्विन जाके इसके बाप को मार देता है। और जब वहां पे मारता है तो उसको लेके आता है बैग में, तो वहां पे बहुत अफरा तफरी मच जाती है और ये लोग भाग जाते हैं, डॉक्टर लोग भाग जाते हैं, जितनी भी बच्चे रहती है सबको वहां से लेके भाग जाते हैं, और बचता कौन है वहां पे? सिर्फ टेरी बचता है और ये बचता है। फिर मेल्विन भी मर गया, अब मेल्विन ने इसके बाप को मारा तो इसने उसको मरवा दिया, अब बचा कौन? सिर्फ टेरी बचा, और इन लोग भाग गए सारी बच्चियों के लेकर। लेकिन जब वहां पे बोट पे जा ही रहे होते तभी पता चलता है कि एक बच्ची कम है। अब मैंने बताया ना, अब फिर से इसको चैन नहीं मिल रहा यार, कि मतलब सब लोग कहते हैं यार हम लोग इतना बचा लिया, अभी हम लोग वापस जाएंगे तो फिर से हम मारे जाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं, बाकी सारे बच्चियों की जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं मैं बचाऊंगा उसे, नहीं बचाऊंगा तो फिर मैं मतलब मुझे चैन ही नहीं आएगा। तो इस बार क्या होता है, सबको लग रहा होता कि नहीं जाएगा, मुझे भी लग रहा था नहीं जाएगा। और ये जो टेररी होता है, टेरी का एक बॉडीगार्ड कहता है कि ये जो बच्ची बच गई है इससे हम फोन करके कहते हैं उससे आ भाई तू, नहीं तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। तो अपने बॉडीगार्ड को मार देता है, कहता है तुम्हारे पास इतना कम दिमाग है क्या, मतलब वो एक बच्ची के लिए आएगा, इतनी बच्ची बचा लिया तो। लेकिन वो तभी जैसे उसको मारता है देखता है एक बोट आ रही होती है, सिर्फ उसमें अकेला डॉक्टर आ रहा होता है, उस डॉक्टर को पकड़ लेते हैं वो। अब इसे इसकी कमजोरी पता चल गई कि मतलब ये इसके सामने किसी को उस बच्ची को मारेंगे तो इसे ज्यादा दर्द होगा बजाय इसके कि हम इसको डायरेक्ट मार दे। तो उसको मारने जा ही रहा होता है उस बच्ची को, तो ये काफ़ी कोशिश करता है, बचाता है, पूरा प्लान यहाँ तक पूरा सक्सेसफुल चल रहा था। लेकिन अब जो होता है बिल्कुल अनप्लान्ड होता है, यहाँ पे होती है एंट्री कर्नल की, इन दोनों एक बार पहले भी बात होती है, लेकिन ये इसको भेज देता है, कहता है नहीं मैं अकेले कर लूंगा, बट कर्नल को कहीं ना कहीं उसने नज़र रखा हुआ था इन लोगों पे। तो कर्नल बहुत लोगों के साथ आते हैं मिलिंद सुमन और आके टेररी को मार देते हैं, और वो एक बच्ची भी बच जाती है और उसको लेके चले जाते हैं, और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये था बेसिकली, बाकी इस मूवी को मतलब जो प्लॉट बनाया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, आप देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा ये मूवी देखने में। तो ये था बेसिकली मेरा एक्सप्लेनेशन, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक एक लाइक एक एक कॉमेंट आपका मुझे मोटिवेट करता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।